गर्मी दस्तक दे चुकी है। जल संकट को लेकर दरभंगा में कई वार्डों के लोगों ने कुछ दिन पूर्व सड़क को जाम किया था। यहां तक कि बजट की विशेष बोर्ड की बैठक में लोग ने भी वहां आकर हंगामा किया था कि जल संकट से हम लोग जूझ रहे हैं। शहरवासियों को जल संकट से कैसे निदान मिलेगा, दरभंगा नगर निगम की इस बार जल संकट से लोगों को निजात मिले इसके लिए क्या कार्य योजना है, तो इस संबंध में नगर आयुक्त ने क्या कहा वो भी आप सुने। जिस प्रकार से नगर आयुक्त कह रहे हैं, अगर इस प्रकार से सही तरह से काम किया गया तो लोगों को जल संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। अब देखना यह है कि नगर आयुक्त ने जो कहा है उस पर कितना अमल हो पाता है, और जो जल संकट से लोग जूझ रहे हैं शहर में उससे कैसे निजात इन लोगों को मिलेगा। नगर आयुक्त ने क्या कहा वो आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जल संकट को लेकर पिछले दिन कई वार्डों के लोग सड़क को जाम किए थे, यहां तक कि नगर निगम परिसर में भी लोग आ गए थे। नगर निगम के द्वारा क्या पूरी प्लान है इस बार गर्मी से लोगों को निजात दिलाने के लिए? नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति PHED और बुटको द्वारा किया जा रहा है, जिसका पर्यवेक्षण नगर निगम द्वारा किया जाता है। इस संबंध में PHED एवं बुटको के कार्यपालक अभियंता के साथ समीक्षा बैठक की गई थी। PHED द्वारा पूर्व से जो पाइपलाइन था उसको काट करके नया पाइपलाइन बिछाया गया था, जिसके कारण पूर्व से बहुत लोग जो लाभान्वित हो रहे थे वो वंचित हो गए थे। इस पर उनको निर्देश दिया गया था कि पूर्व से जो पाइपलाइन चल रहा था उसको भी चालू करें। आज दूरभाष पर उनके से बात किया गया तो बताया गया है कि उसकी जो सामग्री थी वो आ गई है, कल से उसको लगाना शुरू करेंगे, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कल नहीं तो परसों से पुराना पाइपलाइन भी उनके द्वारा चालू कर दिया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में जो चापा कल खराब है उसके लिए भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 7 टीम चालू है, कर रही है उसको मरम्मत। अभी हम लोगों को फीडबैक मिला है कि वो 7 टीम नहीं काम करी, इसकी हम जांच करवा रहे हैं, और अविलंब उनके द्वारा अधिक से अधिक टीम लगाकर जो भी चापाकल हमारे नगर निगम क्षेत्र में खराब है उसको हम चालू करवाना सुनिश्चित करेंगे। सर, अगर बात करें जो चौक चौराहे पर या जो लोग आते हैं बाहर से या जो राहगीर जाते हैं तो उसकी संख्या काफ़ी है शहर में, क्यों नहीं प्राथमिकता के आधार पर उसे ठीक कराया जाए कि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े? अच्छा सुझाव है, हम लोग PHED को इसका भी निर्देश देते हैं कि जो सबसे पहले वो जो चौक चौराहा है वहाँ अगर चापाकल पूर्व से है और वो ख़राब है तो उसको अविलंब दूर अच्छा से करें और उसको ठीक करके चालू करें, और तत्काल हम लोग जहाँ पानी की कमी है वहाँ हम लोग 10 टैंकर चला करके टैंकर से जलापूर्ति करें। सर, आपको याद दिला दें कि पिछले कुछ सालों में दरभंगा नगर निगम के द्वारा एक यहाँ हेल्पलाइन चालू किया गया था जल संकट को लेकर, कि अगर किसी वार्ड में जल संकट है तो यहाँ हेल्पलाइन पर नंबर दे, और टैंकर यहाँ मौजूद रहती थी और उस वार्ड में पानी पहुँच जाता था। अभी भी हम लोग टैंकर चला रहे हैं, वैसा अगर विषम परिस्थिति आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग फिर हेल्पलाइन चालू करेंगे, और जिनकी भी समस्या होगी वहाँ हम लोग टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे।